بسم الله الرحمن الرحيم. जी तो क्लास फोर आज मेरा आपके साथ पहला लेक्चर है. तो हम लेसन नंबर वन से स्टार्ट करेंगे. हमारा लेसन नंबर वन है हम्द. ठीक है, तो हम्द जो है वो आपकी उर्दू की बुक के सफ़ा नंबर 32 पे है. आपकी बुक के सफ़ा नंबर 32 पे नज़्म है जिसका नाम है हम्द. हम्द ऐसी नज़्म को कहते हैं जिस नज़्म में अल्लाह ताला की तारीफ़ बयान की गई हो. ठीक है, हम्द ऐसी नज़्म को कहते हैं जिसमें अल्लाह ताला की तारीफ़ बयान की गई हो. ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं. ये हैं खुदा के निशां सारे, ज़मीं पे फूल आसमां पे तारे. सजे हैं ये कैसे प्यारे प्यारे, ज़मीं पे फूल आसमां पे तारे. ये बाग ऐसे खिलाए किसने, चराग ऐसे जलाए किसने. ये सब खुदा ही ने हैं संवारे, ज़मीं पे फूल आसमां पे तारे. खुदा की कुदरत के गीत गाओ, खुदा को अपनी दुआ सुनाओ. खुदा की गाते हैं हम सारे, ज़मीं पे फूल आसमां पे तारे. इस नज़्म में शायर ने क्या कहा है, इस नज़्म में शायर ने ये कहा है कि इस दुनिया में जितनी भी चीज़ें हैं और ज़मीन पर जितने भी फूल हैं और आसमान पे जितने भी सितारे हैं, ये सब अल्लाह ताला की कुदरत के निशान हैं. ये सब अल्लाह ताला ने ही बनाए हैं. और ज़मीन पर जो भी चीज़ें प्यारी प्यारी हैं वो सब अल्लाह ताला ने ही बनाई हैं. तो शायर ये भी कहता है कि ज़मीन पर जितने भी बाग हैं ये किसने खिलाए हैं, और जो चराग हैं वो किसने जलाए हैं. यहाँ चराग से मुराद जो है वो रोशनी है जो अल्लाह ताला ने सूरज की सूरत में हमें दी है. कि यहाँ पे जो ज़मीन पर जो अल्लाह ताला ने सूरज बनाया है जिससे हर तरफ रोशनी फैल जाती है, वो किसने बनाया है, उसे अल्लाह ताला ने बनाया है. और इस ज़मीन को जो है वो उस खूबसूरत किसने बनाया है, अल्लाह ताला ने बनाया है. शायर कहता है कि अल्लाह ताला की ही ज़ात है जिसने ज़मीन को खूबसूरत बनाया है और आसमान को सितारों से सजाया है. तो हमें क्या चाहिए कि हमें चाहिए कि हम अल्लाह ताला की कुदरत के यानी अल्लाह ताला की ताकत के गीत गाएं, यानी कि हम अल्लाह ताला की हमदो सना करें, अल्लाह ताला की इबादत करें, और अपनी जो भी दुआएं हैं वो अल्लाह ताला से ही मांगें. कायनात की हर चीज़ जो है वो अल्लाह ताला की कुदरत के गीत गाती है. जितने भी परिंदे हैं और जितने भी जानवर हैं और जितने भी जानदार हैं वो सब अल्लाह ताला की हमदो सना करते हैं, यानी कि अल्लाह ताला की तारीफ़ बयान करते हैं. तो जितने भी परिंदे हैं और जानदार हैं वो अल्लाह ताला की कुदरत के गीत गाते हैं. तो हमें भी क्या चाहिए, हमें भी चाहिए कि हम अल्लाह ताला की पाकी बयान करें, अल्लाह ताला की कुदरत जो है उसके गीत गाएं, और अल्लाह ताला से ही दुआएं मांगें. क्योंकि अल्लाह ताला ही है जिसने ज़मीन पर तमाम चीज़ों को बनाया है. ज़मीन पर जितने भी फूल हैं और जितनी भी खूबसूरती है वो अल्लाह ताला की ही बदौलत है. और आसमान पर जितने भी हमें सितारे नज़र आते हैं, इन सितारों की वजह से हमें आसमान खूबसूरत नज़र आता है. तो ये किसने बनाया है, ये सब कुछ अल्लाह ताला ने ही बनाया है. तो अब आप लोगों ने सबसे पहले क्या करना है, आप लोगों ने इस नज़्म की रीडिंग करनी है. सबसे पहले आप सब ने इस नज़्म की रीडिंग करनी है. हर बच्चे ने मुझे वॉइस मैसेज करके इस नज़्म की रीडिंग पहले सुनानी है. ठीक है, आप सब ने सबसे पहले इस नज़्म की वॉइस मुझे रीडिंग करके वॉइस मैसेज सेंड करना है. उसके बाद हमने क्या करना है वो मैं आपको बाद में बताती हूँ. सबसे पहले आप लोग रीडिंग कीजिए और मुझे वॉइस मैसेजेस सेंड कीजिए. जी तो आप सब ने जो है वो हम की रीडिंग कर ली है. वेरी गुड, आप सब ने बहुत अच्छी रीडिंग की है. तो और जिन बच्चों ने रीडिंग नहीं की है वो भी कोशिश करें कि वो आइंदा से जो है वो क्लास में पार्टिसिपेट करें और रीडिंग ज़रूर करें. तो हम लोगों ने क्या करना है, हम लोगों ने अल्फाज मायनी जो है वो करने हैं हम्द के. तो हमने सबसे पहले क्या करना है, हमने सबसे पहले अपनी कॉपी पे मार्जिन लाइंस लगानी है. जी तो मार्जिन लाइंस दोनों तरफ लगाने के बाद हमारा दूसरा काम क्या होगा, हमारा दूसरा काम ये होगा
कि हमने अपने कॉपी के पेज के राइट हैंड पे क्या लिखना है, तारीख लिखनी है, और जैसे डेट मैंने लिखी है आपने वैसे ही लिखी है लिखनी है। जैसे कि ये मैंने लिखा है 2 सितंबर, 2 के बाद मैंने एक छोटी सी डैश लगाई है, उसके बाद मैंने सितंबर लिखा है, और प्लीज़ जितने दंदाने मैं डालूं उतने ही दंदाने आपने अल्फाज के अंदर डालने हैं, इसलिए कि अब आप लोग सीनियर स्कूल में आ गए हैं और दंदानों पे जो है वो आपके मार्क्स कटेंगे। दंदाने अगर आप लोग गलत डालेंगे मैं आपके लाजमी तौर पर मार्क्स जो है वो काटूंगी, और इसको मैं गलती ही कंसीडर करूंगी। तो जितने दंदाने मैंने जिन जिन अल्फाज में डाले हैं आपने उतने ही अल्फाज में डालने हैं, और पेजेस जिस तरह से मैंने रेडी करने का आपको पैटर्न बताना है आपने उसी पैटर्न से पेजेस को रेडी करना है। मार्जिन लाइंस आपने लाजमी लगानी है, ठीक है, और उसके बाद आपने पेज के राइट साइड पे लिखना है 2-September 2020 और आगे ये हमजा का साइन। जैसे मैंने डेट लिखी है वैसे ही आपने डेट लिखनी है। उसके बाद पेज के सेंटर में आपने लिखना है जमात का काम, और पेज के लेफ्ट हैंड पे आपने लिखना है दिन यानी के बुध। उसके बाद आपने जो आपका पहला पेज होगा उस पे आपने हम्द लिखने के बाद हम्द का टाइटल पेज बनाना है। टाइटल पेज जो है वो बहुत प्यारा होना चाहिए, उसमें अल्लाह ताला ने जो जो चीज़ें बनाई हैं आपने वो बनानी है, कलरिंग करनी है, अच्छी अच्छी पिक्चर्स बनानी है, और उसके बाद नेक्स्ट पेज पे आपने दोबारा से डेट लिखनी है, डे लिखना है, जमात का काम, हम, और उसके बाद आपने करने हैं अल्फाज मायनी। हम के अल्फाज मायनी आपकी उर्दू बुक के बैक साइड पे सफ़ा नंबर 170 पर लिखे हैं। आपकी उर्दू की बुक के बैक साइड पे सफ़ा नंबर 170 पे नज़्म हम्द के अल्फाज मायनी लिखे हैं। आपने सबसे पहले टाइटल पेज बनाना है और उसके बाद आपने अल्फाज मायनी लिखने हैं, ठीक है। पहला लफ्ज़ है हम्द। जैसे कि मैंने आपको बताया कि जिस नज़्म में अल्लाह ताला की तारीफ बयान की जाए उसे हम्द कहते हैं, तो हम्द का क्या मतलब है, अल्लाह ताला की तारीफ। दूसरा लफ्ज है संवारना। संवारना यानी सजाना, बनाना, बेहतर बनाना। दंदाने यहाँ पे भी आप देख लें, दंदानों की गलती नहीं होनी चाहिए। तीसरा लफ्ज है चराग। चराग के मानी है शमा। चौथा लफ्ज है कुदरत। कुदरत मतलब ताकत। पांचवा लफ्ज है जलाए, मतलब के रोशन किए। जलाए मतलब रोशन किए। तो आप लोगों ने ये अल्फाज मायनी जो है वो लिखने हैं। सबसे पहले आपने टाइटल पेज बनाना है और उसके बाद आप लोगों ने अल्फाज मायनी लिखने हैं, ठीक है। तो आप लोगों को मैं 30 मिनट्स दे रही हूँ इस काम के लिए। आप लोगों ने एज इट इज़ इसी तरह से पेज रेडी करना है, डेट और डे लाजमी मेंशन करनी है, दरमियान में जमात का काम लिखना है, पहले पेज पे आपने हम्द का टाइटल पेज बनाना है, ठीक है। टाइटल पेज कैसे बनाना है वो मैंने आपको बता दिया है कि आपने सबसे पहले लिखना है हम्द, और उसके बाद अल्लाह ताला ने जो जो नेमतें आपको दी हैं उसकी आपने पिक्चर्स ड्रॉ करनी है और उसमें कलरिंग करनी है, और उसके बाद नेक्स्ट पेज पे आपने दोबारा से डेट और डे मेंशन करना है, जमात का काम लिखना है, और उसके बाद आपने इस तरह से अल्फाज मायनी लिखने हैं, ठीक है। और अल्फाज मायनी लिखने के बाद आपने क्या करना है, अल्फाज मायनी लिखने के बाद आपने लाजमी तौर पे यहाँ पर एंडिंग लाइन ज़रूर लगानी है, एंडिंग लाइन ज़रूर लगानी है। तो आप लोगों को मैं 30 मिनट्स दे रही हूँ इन दोनों कामों के लिए। तो 30 मिनट्स के बाद आप लोगों ने करना ये है कि हम्द के टाइटल पेज और अल्फाज मायनी इन दोनों की पिक्चर्स मुझे ग्रुप में सेंड करनी है। यू हैव 30 मिनट्स फॉर योर क्लास वर्क। जी, तो आप सबने जो है वो हम्द की रीडिंग कर ली है, वेरी गुड, आप सबने बहुत अच्छी रीडिंग की है। तो और जिन बच्चों ने रीडिंग नहीं की है वो भी कोशिश करें कि वो आइंदा से जो है वो क्लास में पार्टिसिपेट करें और रीडिंग ज़रूर करें। तो हम लोगों ने क्या करना है, हम लोगों ने
अल्फाज मायनी जो है वो करने हैं हम्द के। तो हमने सबसे पहले क्या करना है, हमने सबसे पहले अपनी कॉपी पे मार्जिन लाइंस लगानी है जी। तो मार्जिन लाइंस दोनों तरफ लगाने के बाद हमारा दूसरा काम क्या होगा, हमारा दूसरा काम ये होगा कि हमने अपने कॉपी के पेज के राइट हैंड पे क्या लिखना है, तारीख लिखनी है। और जैसे डेट मैंने लिखी है आपने वैसे ही लिखी है लिखनी है। जैसे कि ये मैंने लिखा है 2 सितंबर, 2 के बाद मैंने एक छोटी सी डैश लगाई है, उसके बाद मैंने सितंबर लिखा है। और प्लीज़ जितने दंदाने मैं डालूं उतने ही दंदाने आपने अल्फाज के अंदर डालने हैं, इसलिए कि अब आप लोग सीनियर स्कूल में आ गए हैं और दंदानों पे जो है वो आपके मार्क्स कटेंगे। दंदाने अगर आप लोग गलत डालेंगे मैं आपके लाजमी तौर पे मार्क्स जो है वो काटूंगी और इसको मैं गलती ही कंसीडर करूंगी। तो जितने दंदाने मैंने जिन जिन अल्फाज में डाले हैं आपने उतने ही अल्फाज में डालने हैं। और पेजेस जिस तरह से मैंने रेडी करने का आपको पैटर्न बताना है आपने उसी पैटर्न से पेजेस को रेडी करना है। मार्जिन लाइंस आपने लाजमी लगानी है, ठीक है। और उसके बाद आपने पेज के राइट साइड पे लिखना है 2-September 2020 और आगे ये हमजा का साइन। जैसे मैंने डेट लिखी है वैसे ही आपने डेट लिखनी है। उसके बाद पेज के सेंटर में आपने लिखना है जमात का काम और पेज के लेफ्ट हैंड पे आपने लिखना है दिन यानी के बुध। उसके बाद आपने जो आपका पहला पेज होगा उस पे आपने हम्द लिखने के बाद हम्द का टाइटल पेज बनाना है। टाइटल पेज जो है वो बहुत प्यारा होना चाहिए, उसमें अल्लाह ताला ने जो जो चीज़ें बनाई हैं आपने वो बनानी है, कलरिंग करनी है, अच्छी अच्छी पिक्चर्स बनानी है। और उसके बाद नेक्स्ट पेज पे आपने दोबारा से डेट लिखनी है, डे लिखना है, जमात का काम हम। और उसके बाद आपने करने हैं अल्फाज मायनी। हम के अल्फाज मायनी आपकी उर्दू बुक के बैक साइड पे सफ़ा नंबर 170 पर लिखे हैं। आपकी उर्दू की बुक के बैक साइड पे सफ़ा नंबर 170 पे नज़्म हम्द के अल्फाज मायनी लिखे हैं। आपने सबसे पहले टाइटल पेज बनाना है और उसके बाद आपने अल्फाज मायनी लिखने हैं, ठीक है। पहला लफ्ज़ है हम्द। जैसे कि मैंने आपको बताया कि जिस नज़्म में अल्लाह ताला की तारीफ बयान की जाए उसे हम्द कहते हैं, तो हम्द का क्या मतलब है, अल्लाह ताला की तारीफ। दूसरा लफ्ज़ है संवारना। संवारना यानी सजाना, बनाना, बेहतर बनाना। दंदाने यहाँ पे भी आप देख लें, दंदानों की गलती नहीं होनी चाहिए। तीसरा लफ्ज़ है चराग। चराग के मानी है शमा। चौथा लफ्ज़ है कुदरत। कुदरत मतलब ताकत। पांचवा लफ्ज़ है जलाए, मतलब के रोशन किए। जलाए मतलब रोशन किए। तो आप लोगों ने ये अल्फाज मायनी जो है वो लिखने हैं। सबसे पहले आपने टाइटल पेज बनाना है और उसके बाद आप लोगों ने अल्फाज मायनी लिखने हैं, ठीक है। तो आप लोगों को मैं 30 मिनट्स दे रही हूँ इस काम के लिए। आप लोगों ने एज इट इज इसी तरह से पेज रेडी करना है। डेट और डे लाजमी मेंशन करनी है, दरमियान में जमात का काम लिखना है, पहले पेज पे आपने हम्द का टाइटल पेज बनाना है, ठीक है। टाइटल पेज कैसे बनाना है वो मैंने आपको बता दिया है कि आपने सबसे पहले लिखना है हम्द और उसके बाद अल्लाह ताला ने जो जो नेमतें आपको दी हैं उसकी आपने पिक्चर्स ड्रॉ करनी है और उसमें कलरिंग करनी है। और उसके बाद नेक्स्ट पेज पे आपने दोबारा से डेट और डे मेंशन करना है, जमात का काम लिखना है और उसके बाद आपने इस तरह से अल्फाज मायनी लिखने हैं, ठीक है। और अल्फाज मायनी लिखने के बाद आपने क्या करना है, अल्फाज मायनी लिखने के बाद आपने लाजमी तौर पे यहाँ पर एंडिंग लाइन ज़रूर लगानी है, एंडिंग लाइन ज़रूर लगानी है। तो आप लोगों को मैं 30 मिनट्स दे रही हूँ इन दोनों कामों के लिए। तो 30 मिनट्स के बाद आप लोगों ने करना ये है कि हम्द के टाइटल पेज और अल्फाज मायनी इन दोनों की पिक्चर्स मुझे ग्रुप में सेंड करनी है। यू हैव 30 मिनट्स फॉर योर क्लास वर्क। जी,
तो हमने रीडिंग भी कर ली और उसके बाद हमने अल्फाज मायनी भी कर लिए हैं। तो अल्फाज मायनी करने का मकसद ये है कि जो बाकी की मश्क है उसमें जितने भी सवालात के जवाब हैं वो देने में, वो लिखने में और मश्क को करने में आपको आसानी हो, ठीक है। तो आज हम अब हम करेंगे हम्द की मश्क। तो मश्क है उर्दू के किताब के सफ़ा नंबर 33 पे, ठीक है। अच्छा, आप लोगों ने अल्फाज मायनी जो हैं वो उर्दू अलिफ़ की कॉपी पे लिखने हैं। आप लोगों ने अल्फाज मायनी उर्दू अलिफ़ की कॉपी पर लिखने हैं और अब हम करेंगे मश्क। तो पहला सवाल है, मुश्किल अल्फाज के जोड़ तोड़ सीखने से अल्फाज की इमला आसान हो जाती है। अब हम इस सबक में मौजूद मुश्किल अल्फाज के जोड़ तोड़ की मशक करते हैं। जोड़ तोड़ आप लोगों ने क्लास 1 में भी किए हैं, क्लास 2 में भी और क्लास 3 में भी। तो यहाँ पर भी आपने जोड़ तोड़ जो हैं वो करने हैं और वो आपने ख़ुद से करने हैं। आप पिछले 3-4 साल से जोड़ तोड़ जो है वो करते आए हैं और मुझे उम्मीद है कि आप लोग ख़ुद से ये जोड़ तोड़ जो है वो कर लेंगे। तो आप लोगों ने ये जोड़ तोड़ जो है वो ख़ुद से करने हैं, ठीक है। इसके बाद सवाल नंबर 2 है, नीचे दिए गए जुमलों में कुछ अल्फाज के नीचे लकीर लगाई गई है, उन अल्फाज के मायनी पर दायरा बनाएं, ठीक है। हम लोगों ने अभी अल्फाज मायनी लिखे हैं तो हमने उसी के अकॉर्डिंग यहाँ पे जो भी जुमलों में अल्फाज हैं जिनके नीचे अंडरलाइन किया गया है उसके सही मायनी के गिर्द हमने दायरा लगाना है। जैसे कि पहला जुमला है, फल और फूल खुदा की कुदरत के निशान है। एक कुदरत को अंडरलाइन किया गया है, कुदरत का मायनी क्या है, कुदरत का मायनी है ताकत, ठीक है। इसके बाद दूसरा जुमला है, अल्लाह ने तारों की सूरत में चराग रोशन किए। चराग, चराग की मायनी क्या है, चराग के मायनी है शमा। अल्फाज मायनी हमारे करने का मकसद ही यही है कि हमें अल्फाज के मायनी पता हों और हम तमाम सवालात के जवाबात जो है वो सही तरीके से बता सकें, ठीक है। पहले में कुदरत के मायनी है ताकत और दूसरे जुमले में चराग के मायनी है शमा। फिर हम आएंगे सफ़ा नंबर 34 पे। तीसरा है, ज़मीन पर फूलों के ज़रिए अल्लाह ने ज़मीन को संवारा। संवारा के क्या मायनी है, संवारा के मायनी है बेहतर बनाया। संवारा के मायनी है बेहतर बनाया। चौथा है, सारी मखलूक खुदा की हम्द करती है। खुदा की हम्द मतलब अल्लाह की तारीफ। खुदा की हम्द मतलब अल्लाह की तारीफ। तीसरे में संवारा के मायनी है बेहतर बनाना और चौथे में हम्द के मायनी है अल्लाह की तारीफ। इसके बाद सवाल नंबर 3 है, नीचे कुछ अल्फाज दिए गए हैं, इन अल्फाज के जुमले बनाएं। तो यहाँ पे आपने अल्फाज जुमले करने हैं और आपने अपना बुक वर्क जब स्टार्ट करना है तो यहाँ पर आपने डेट और डे लाजमी मेंशन करनी है और यहाँ जमात का काम भी लिखना है। डेट और डे आपने वैसे ही लिखनी है जैसे मैंने आपको लिखना सिखाया है, यानी कि राइट हैंड पे आपने डेट लिखनी है और लेफ्ट हैंड पे आपने दिन लिखना है, ठीक है। तो इसके बाद आते हैं जुमले। जुमले भी उन्हीं अल्फाज से बनाने हैं जिनके आपने मायनी पहले से लिख लिए हैं, जिनके मायनी और मतलब आपको अच्छे तरीके से पता हैं। पहला लफ्ज़ है हम्द, दूसरा है संवारना, तीसरा है चराग, चौथा है कुदरत और पांचवा लफ्ज़ है गीत। आपने इन पांचों अल्फाज से जुमले बनाने हैं और बुक पे ही बनाने हैं, ठीक है। ये जुमले बना के और जो आपको पहले जोड़ तोड़ दिए गए हैं, ये दोनों काम आपका घर का काम है। ये दोनों काम करके आपने क्या करना है, आपने मेरे पर्सनल नंबर पे इनकी पिक्चर सेंड करनी है, ठीक है। इसके बाद सवाल नंबर 4, खुदा की गाते हैं हम सारे, ज़मीं पे फूल आसमां पे तारे। इस शेर को जुमलों की शक्ल में लिखें, ठीक है। तो हम इस शेर को जुमलों की शक्ल में लिखते हैं। मैं आपको बोर्ड पे लिख के देती हूँ, आप लोग उसको कहाँ लिखेंगे, आप लोग उसको यहाँ पे लिखेंगे, ठीक है। तो सवाल नंबर 4 का जवाब है, ज़मीन पे मौजूद तमाम फूल और आसमान पे तमाम सितारे
सब खुदा की हम गाते हैं। आपने सवाल नंबर 4 का जवाब बोर्ड पे से देख के अपनी बुक्स पे लिखना है। आपने सवाल नंबर 4 का जवाब बोर्ड पे से देख के अपनी बुक्स पे लिखना है। आपको मैं इस सवाल का जवाब लिखने के लिए दे रही हूँ 5 मिनट्स। यू हैव 5 मिनट्स टू डू दिस वर्क। ओके, आप लोगों ने बोर्ड पे से देख के सवाल नंबर 4 का जवाब अपनी बुक्स पे लिखना है, और बुक्स पे लिखने के बाद आपने पिक्चर्स लेनी है, और पिक्चर्स लेके आपने ग्रुप में सेंड करनी है। तो आपके पास है 5 मिनट्स। जी, तो सवाल नंबर 4 का जवाब आप सबने अपनी बुक्स पे लिख लिया है। अब हम करेंगे सवाल नंबर 5। सवाल नंबर 5 है, दुरुस्त अल्फाज लगा कर खाली जगह पुर करें। यहाँ पर आपको वो ऑप्शंस दी गई हैं जिसके अंदर जो आपने जुमलों में लगा कर जुमलों को मुकम्मल करना है। अब ये जो जुमले हैं ये बेसिकली मिसरे हैं जो कि नज़्म हम्द के मिसरे हैं। ठीक है, तो यहाँ से एक एक लफ्ज़ मिसिंग है और वो तमाम अल्फाज जो हैं वो ऊपर आपको ऑप्शन में दिए गए हैं। तो आपने क्या करना है कि सबसे पहले तो आपने नज़्म को ग़ौर से पढ़ना है, और उसके बाद इसको जो है वो जब आप फिल करेंगे तो आपके लिए बहुत ज़्यादा आसानी हो जाएगी, क्योंकि ये तमाम मिसरे नज़्म से ही लिए गए हैं। पहला मिसरा है, सजे हैं ये कैसे प्यारे प्यारे, सजे हैं ये कैसे प्यारे प्यारे। दूसरा है, ये हैं खुदा के निशान सारे, ये हैं खुदा के निशान सारे। तीसरा जुमला है, ये बाग ऐसे खिलाए किसने, ये बाग ऐसे खिलाए किसने। चौथा जुमला है, ज़मीं पे फूल आसमां पे तारे, ज़मीं पे फूल आसमां पे तारे। पांचवा मिसरा है, खुदा की कुदरत के गीत गाओ, खुदा की कुदरत के गीत गाओ। आप लोगों ने जो सही अल्फाज हैं उनको आपने इन ब्लैंक्स के अंदर जो है वो फिल करना है। ठीक है, आप नज़्म को गौर से पढ़ेंगे तो आपके लिए इनको फिल करना जो है वो बहुत ज़्यादा आसान होगा। ये सारे मैंने आपको फिल करके बता दिए हैं, आप लोगों ने भी इनको इसी तरह से फिल करना है। तो आपको मैं 5 मिनट्स दे रही हूँ, आप लोगों ने इनको इसी तरह से फिल करना है। ओके जी, तो इसके बाद सफ़ा नंबर 36 पे है सवाल नंबर 6। आपको याद है कि जब कोई सवाल लिखा जाता है तो उसके आखिर में सवालिया निशान की अलामत लगाई जाती है, और जब कोई जुमला मुकम्मल होता है तो उसके आखिर में फुल स्टॉप या डैश की अलामत आती है। दिए गए जुमलों के आखिर में दुरुस्त अलामत लगाएं। यानी कि जितने भी जुमले ऐसे होते हैं जो के सवाल होते हैं उनके आखिर में हम क्या करते हैं, उनके आखिर में हम सवालिया निशान लगाते हैं, और जो जुमले सवाल नहीं होते उनके आखिर में हम क्या लगाते हैं, उनके आखिर में हम फुल स्टॉप यानी कि ये डैश का निशान लगाते हैं। तो पहला जुमला है, अल्लाह ताला ने सारी कायनात बनाई। इसके आगे हम क्या निशान लगाएंगे, हम निशान लगाएंगे फुल स्टॉप का, यानी कि जुमला मुकम्मल होने का निशान लगाएंगे। इसके बाद दूसरा जुमला है, क्या आपने अपना काम ख़त्म कर लिया है। तो क्योंकि ये सवाल है तो इसलिए हम इसके आखिर में लगाएंगे सवालिया निशान यानी कि क्वेश्चन मार्क। तो तीसरा जुमला है, अदील बाग में जा रहा है। ये एक नॉर्मल जुमला है, ये सवाल नहीं है, तो हम इसके एंड में क्या लगाएंगे, फुल स्टॉप यानी कि डैश। उसके बाद चौथा जुमला है, सबा अपना सबक याद कर रही है। ये भी सवाल नहीं है, ये एक सिंपल जुमला है, तो इसके जुमले के एंड में आएगा फुल स्टॉप। ठीक है, और पांचवा जुमला है, दरख्त के करीब कौन खड़ा है। तो ये एक सवाल है, पूछा जा रहा है कि दरख्त के करीब कौन खड़ा है, क्योंकि ये सवाल है तो इसके आखिर में आएगा क्वेश्चन मार्क। जी, तो हमने यहाँ इन जुमलों में क्या किया, हमने यहाँ इन जुमलों में ये किया कि जो जुमले जो हैं वो सादे जुमले थे उनके आखिर में हमने क्या अलामत लगाई, हमने फुल स्टॉप लगाया, जिसको आप लोग अभी तक जूनियर स्कूल में डैश कहते थे। उर्दू में फुल स्टॉप को वक्फ़ा कहते हैं,
उर्दू में फुल स्टॉप को वक्फ़ा कहते हैं। लेकिन आप लोग जब तक जूनियर स्कूल में थे तो ज़ाहरी बात है कि आप लोग उसको कहते थे कि जुमला मुकम्मल होता है तो ये छोटी सी डैश लगानी है, ठीक है। लेकिन ये जो छोटी सी डैश है जो कि नॉर्मल जुमलों के एंड में आती है, जुमला मुकम्मल होने के बाद जो है वो लगाई जाती है, इंग्लिश में उसको फुल स्टॉप कहते हैं और उर्दू में उसको कहते हैं वक्फ़ा, ठीक है। और इसी तरह जब कोई सवाल या जुमला लिखा जाता है, यानी कि कोई सवाल लिखा होता है, तो उसके एंड में हम क्या लगाते हैं, सवालिया निशान। सवालिया निशान को इंग्लिश में कहते हैं क्वेश्चन मार्क, उर्दू में उसको कहते हैं सवालिया, सवालिया निशान। तो आपने क्या सीखा कि जो जुमले सवालिया होते हैं उनके आखिर में हम सवालिया निशान लगाते हैं, और जो जुमले सिंपल होते हैं, मज़बूत होते हैं, उनके आखिर में हम वक्फे का निशान लगाते हैं या डैश लगाते हैं, ठीक है। तो आपका ये आज का लेसन जो है वो कंप्लीट हो गया है। आपने अपनी मश्क के दो सवाल, यानी कि सवाल नंबर एक, ठीक है, आपने अपनी मश्क के दो सवाल, यानी कि सवाल नंबर एक जो कि पेज नंबर 33 पे है, और सवाल नंबर तीन जो कि सफ़ा नंबर 34 पे है, ये दोनों आपने घर से करने हैं। और आपने डेट और डे लाजमी मेंशन करना है। आपने इन दोनों सवालात के जवाबात होमवर्क में करने हैं, और ये करने के बाद आपने क्या करना है, आपने मुझे मेरे पर्सनल नंबर पे इनकी पिक्चर सेंड करनी है,